हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज वैश्री राव एंड वेलकम टू पिंक फॉरेस्ट विला। कैसे आप लोग? मुझे पता है कि आप लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एक्चुअली मुझे अभी कहीं जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। वो जो वीडियो है वो बहुत ही कमाल की वीडियो आप लोगों के लिए होने वाले समर सीजन के लिए। तो ये वीडियो कोलैबोरेशन विद माय हॉटस्टार एंड ये जो सारे प्रोडक्ट है वो आपको अमेजोन पर मिल जाएंगे डिस्काउंटेड रेट पर। अमेजोन के ऊपर वार्डरोब सेल चली हुई है जिसका जो 50-80% तक के लिए आपको ऑफ मिलेगा 31 मई से 5 जून तक, यानी 5 जून तक ये जो सेल है वो चली हुई है। तो आप जाइए, ग्रैब कर लीजिए जो भी आपको पसंद आते हैं। बट आज की वीडियो जो स्पेशल होने वाली है वो होने वाली है फेस स्क्रब्स के ऊपर। आप सभी को पता है फेस स्क्रब जो है बहुत इम्प्रेसिव लगता था लोगों को, एंड बहुत सारी चीजों के बाद उनको हटा दिया। अब लोग ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स से जूझ रहे होते हैं बट वो फेस स्क्रबिंग नहीं करते हैं बिकॉज बहुत सारे यूट्यूबर ने बोल दिया है कि उनको नहीं यूज करना है। बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आपको यूज करने चाहिए फेस स्क्रब। एंड केमिकल फेस स्क्रब एक्सफोलिएटिंग यूज करो आप, या फिर आप जो है फिजिकल एक्सफोलिएटिंग यूज करो, दोनों ही बेहतरीन काम करते हैं। बट इट डिपेंड्स कि आपके स्किन पे कितना डेड स्किन सेल्स है, उस हिसाब से आपको जो अपने प्रोडक्ट चूज करने चाहिए। तो मेरे पास जहाँ जो प्रोडक्ट है वो लोअर कैटेगरी से लेकर के हाई एंड कैटेगरी तक है। तो आपको जो पसंद आए, जो आपके पॉकेट को सूट करता है वो आप यूज़ कर लीजिएगा। ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, डेड स्किन सेल्स निकालना, अगर आपको टैनिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और आपको उसका एक लुक चाहिए कि आपको वो फटाफट निकले, फ्लेकीनेस, सनबर्न बहुत हो गया, तो आपको डेफिनेटली स्क्रब्स यूज़ करने चाहिए। केमिकल एक्सफोलिएशन भी सबको सूट नहीं करता है, जैसे कि फिजिकल स्क्रब्स सबको सूट नहीं करता है। तो ये आप देखिए कि आपके लिए क्या बेहतरीन है, क्या बेस्ट है। मैं यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस देने वाली हूँ जो कि आप अमेजोन के डिस्काउंटेड रेट पर भी परचेज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ 3 फिजिकल स्क्रब के बारे में एंड 2 एक्सफोलिएटर जो कि पीलिंग जो कि केमिकल एक्सफोलिएटर्स हैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ। तो आप देख लेना आपको क्या सूट करता है, मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया है। और दी बेस्ट कैटेगरीज में आपको बता रही हूँ, दी बेस्ट जो मुझे दी बेस्ट लगती है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करने वाली हूँ एम कैफेन फिजिकल स्क्रब के बारे में। अब दिस इज कॉफी एंड नेकेड एंड रॉ कॉफी विद विटामिन ई। ये स्क्रब जो है ये बहुत ही अच्छा है। इनका बॉडी स्क्रब भी आता है एम कैफेन का, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, मुझे बहुत पसंद है। ये बहुत ही अच्छा है, माइल्ड एक्सफोलिएटिंग है एंड ये आपकी डेड स्किन सेल्स को बहुत अच्छे से निकालता है। दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन टाइप, जिनके ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स ज्यादा बनते हैं। ऑलमोस्ट आप धूल मिट्टी में घूमते हो, आप रेगुलरली सनस्क्रीन यूज करते हो, तो जो कि जिससे आपके पोर्स जो वो क्लॉग्ड हो जाते हैं। बहुत सारे लोग सनस्क्रीन को रात को निकालते नहीं है, जिनकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो फिजिकल स्क्रब उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। नोज के अराउंड, चिन के अराउंड, अपर माउथ के अराउंड, या फिर आपके गाल पे, जहां पर भी आपको ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम होती है, आपके पोर्स क्लियर नहीं होते, उनके लिए ये स्क्रब बहुत ही अच्छा होने वाला है। डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हो एंड दिस इज क्वाइट अफोर्डेबल। एक्चुअली इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इट्स क्वाइट अफोर्डेबल। अगर आप बिल्कुल ही आपके पास बजट नहीं है एंड यू डोंट वांट टू स्पेंड सो मच पेनी ऑन जस्ट अ स्क्रब, तो आप जो हिमालयन का स्क्रब यूज कर सकते हो। सिंस 1930 इसके ऊपर लिखा हुआ है, दिस इज अ टैन रिमूवल ऑरेंज फेस स्क्रब है ये। इट्स नॉट वेरी इम्प्रेसिव, मुझे तो ये काफी पसंद आता है। मैं इसको रखती हूँ खास करके मैं अपनी कोहनियों पर अप्लाई करने के लिए, नोज के अराउंड अप्लाई करने के लिए मैं इसको बहुत यूज करती हूँ। तो आप भी इस स्क्रब को यूज कर सकते हो, क्वाइट अफोर्डेबल। 100% नेचुरल एक्सफोलिएट है इसके अंदर, टैन को रिमूव करता है, क्वांटिटी इज वेरी नाइस, क्वालिटी इज वेरी गुड। 180 रुपीज में ये आपको मिल जाता है अमेजोन के ऊपर, सो डेफिनेटली वन ऑफ चेक दिस आउट। एंड आई थिंक 200 में 2 आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास प्राइम मेंबरशिप है तो ऑफ कोर्स कि आपको डिलीवरी पे नहीं करना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी गुड एक्सफोलिएट एंड दिस इज फॉर बिगिनर्स एज वेल, तो ये बिगिनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। इफ यू डोंट वॉन्ट टू स्पेंड सो मच अमाउंट इन जस्ट अ स्क्रब, तो डेफिनेटली 180 रुपीज का ये स्क्रब आपके लिए दी बेस्ट होने वाला है। एंड लास्टली फिजिकल स्क्रब के अंदर मेरे पास मेरा फेवरेट ब्रांड है, विच इज़ अ लोटस वाइट ग्लो, एंड दिस इज अ लोटस वाइट ग्लो ओटमील एंड योगर्ट स्क्रब। ये आई थिंक इसको मैं लगभग पिछले 9 सालों से यूज़ कर रही हूँ, जब से मैं इसकी एडवर्टीजमेंट देखती हूँ उसके बाद से ही मैं इसको लेना। पहले तो मेरे बजट में नहीं आता था और टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आई थिंक 3-10 रुपीज़ का ये मुझे मार्केट में पड़ता था, तब इतने पैसे होते नहीं थे। एज अ टीनेजर जितने पैसे नहीं होते थे, अब तो फिर भी हम कमाने लग गए हैं, तो उस टाइम पर इतना पैसा नहीं होता था, बट फिर भी मैं इसको पैसे जोड़ के लेके आती थी और
मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये स्क्रब मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसने कभी भी मुझे ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स ज़्यादा होने नहीं दिए हैं। मेरा इन सब में आप पूछोगे तो पर्सनल फिजिकल स्क्रब के अंदर फेवरेट मेरा लोटस का स्क्रब रहेगा। देखो स्क्रब करना ईजी है, आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो, यानी वंस इन अ वीक कर सकते हो, उसको रेगुलर बेसिस बोलेंगे, डेली डेली स्क्रब नहीं करते हम लोग। तो इसको यूज करने का है कि आपको हल्के हाथों से मसाज करना है, डोंट गो वेरी लाइक रगड़ना नहीं है आपको, और ऐसा नहीं करना है कि आप अपनी स्किन को ही टेयर अप कर दो, वैसा नहीं करना, माइक्रो ब्लीडिंग नहीं कर देनी है अपनी स्किन को, हल्के हाथों से अप्लाई करना है एंड जस्ट 60 सेकेंड अप्लाई कीजिए एंड देन वॉश ऑफ कर दीजिए। उसके बाद ही आपको स्किन क्लियर एंड जो है एकदम प्लेन एकदम स्मूथ फील होना स्टार्ट हो जाएगी लोटस के साथ। आई लव दिस स्क्रब, ये मेरा फेवरेट था। अब बात करते हैं केमिकल एक्सफोलिएंट की। केमिकल एक्सफोलिएंट उन लोगों के लिए जिनकी स्किन थिक है, जिनकी स्किन सेंसिटिव नहीं है, सेंसिटिव स्किन के लिए मैं नहीं बताती हूँ। ऑल्सो एक तरीके का स्क्रब आता है एंजाइम स्क्रब विच इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, सो डोंट गो विद दैट। वो जस्ट वो स्क्रब ही निकल रहा होता है, आपके फेस का कुछ भी उससे निकलता नहीं है। जैसे विशफुल का भी आता रहा, एक दो और ब्रांड्स है बाहर के, वो जस्ट आपको बेवकूफ़ बना रहे, तो उन स्क्रब से दूर रहिए। बट केमिकल एक्सफोलिएंट जो है वो अच्छा रहता है, बट दीज आर नॉट फॉर सेंसिटिव स्किन, ठीक है। तो अगर आपकी स्किन जो है नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन है देन यू कैन यूज केमिकल एक्सफोलिएंट। अगर आपको जो है डलनेस एंड डार्कनेस की शिकायत ज़्यादा रहती है तो वंस इन अ वीक आप केमिकल एक्सफोलिएंट कर सकते हो। इसका मेन ये है कि इसके प्रिकॉशंस थोड़े ज़्यादा होते हैं, आपकी स्किन बर्न भी हो सकती है, तो आप प्रिकॉशंस को अच्छे से पढ़ के आप केमिकल एक्सफोलिएंट कर सकते हो। स्टार्ट विद लैक्टिक एसिड विच इज़ अ वेरी बिगनर फ्रेंडली, जो कि मैं यहाँ पर बता रही हूँ। ग्लाइकोलिक एसिड डेफिनेटली वर्क्स वंडर्स, बट आप लैक्टिक एसिड से स्टार्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर मेरे पास है फ्रॉम द ब्रांड एक्वालॉजिका एंड दिस इज एक्वालॉजिका डी टैन जेंटल मेल्ट एक्सफोलिएटर। ये चेरी टोमेटो एंड ग्लाइकोलिक एसिड के साथ ना रिमूव टैन एंड हाइड्रेट रखता है आपकी स्किन को। ये मैं ऑलरेडी यूज़ करती हूँ तो मैं आपको बताने वाली हूँ। ऑल दो एक्वालॉजिका के सारे प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं है, बट स्क्रब के मामले में ये बहुत अच्छा वंडर्स काम कर रहा है। मैं लुक एट दैट मैचिंग, ये बहुत अच्छा काम करता है। एंजाइम स्क्रब जैसा नहीं है ये, तो ये आपको फटाफट लगाना है, 2-3 मिनट रखना है फॉर द बिगनर्स एंड देन वॉश इट ऑफ कर देना है। तो अगर आपको ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स की शिकायत ज़्यादा रहती है तो डेफिनेटली जो ये केमिकल एक्सफोलिएटिंग है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददफुल होने वाला है और काफ़ी अच्छा भी ग्लो देता है उसके बाद। केमिकल एक्सफोलिएंट आजकल लोग ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं, सेंसिटिव स्किन वाले को तो मैं बिल्कुल ही अवॉइड करने को बोलती हूँ, बट बाकी लोग इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। अदर देन दैट फिजिकल स्क्रब इज द बेस्ट। एंड लास्टली जो 5th नंबर पे है वो मेरा फेवरेट है, दैट इज़ अ मिनिमलिस्ट जो है केमिकल पील विच इज़ AHA BHA फेस पील विथ 25% अल्फा आरब्यूटीन, 5% पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड एंड 2% बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है, फॉर इंस्टेंट ग्लो एंड सॉफ्टन योर स्किन। तो मैंने आपको बताया ये ड्राई स्किन वालों के लिए दी बेस्ट होने वाला है। ये थोड़ा सा आपको मैं क्या बोलती हूँ, थोड़ा सा इम्प्रेसिव बोल सकते हैं इसको, दिस इज जस्ट नॉट योर रेगुलर पील ऑफ मास्क। इसको थोड़ा सा आपको जो है ध्यान में रख करके यूज़ करना है, इसको ऐसे ही नहीं यूज़ कर लेना है कि मन आया तो यूज़ कर लिया। इसको तभी यूज़ करना है जब आपको ज़रूरत हो, वीक में सिर्फ एक बार यूज़ कीजिए या फिर मंथ में 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं। आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का केमिकल पील आता है, ये भी एक एक्सफोलिएंट का काम करता है, आपके जितने भी डेड स्किन सेल से वो निकल जाती है। वाटर के साथ इसको यूज़ नहीं करना है, सूखे फेस पर इसको यूज़ करना है, जस्ट 4 मिनट्स के लिए रखिए एंड देन वॉश इट ऑफ कर दीजिए। इस पर 10 मिनट लिखा हुआ है बट आई वुड नॉट रेकमेंडेड कि 10 मिनट के लिए आप इसको यूज़ करिए, जस्ट फॉर यूज़ 4 मिनट्स एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। इसके साथ आपको हल्की सी टिंगलिंग या फिर हल्की सी जलन फील हो सकती है, अगर ज़्यादा फील हो तो वॉश ऑफ कर दीजिए पानी के साथ, अगर कम फील हो रहा है तो वो ठीक है, ठीक है। ये तो ये 5ों जो एक्सफोलिएंट है आप इसको रेगुलर बेसिस के ऊपर यूज़ कर सकते हो। दीज आर वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड ये मैंने अपने फेवरेट्स में से बताए हैं। ये सारे जो अमेजोन पे डिस्काउंटेड रेट पर अवेलेबल है, गो चेक दैट आउट। एंड केमिकल पील अगर आप करते हो तो डेफिनेटली ये जो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे एंड थोड़ी सी डिटेल्स भी मैं इन वीडियो के रिगार्डिंग आपको लेके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ला दूंगी, गो चेक दैट आउट। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, बाय बाय।